अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और पुराने लेक्चर्स की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो अब हम अपनी किस टॉपिक पे थे पिछली वीडियोस में, एब्डोमिनल ब्लड सप्लाई पे, ठीक है। तो उसी की अब हमने एब्डोमिनल जो एओर्टा थी, ठीक है, उसकी हमने पढ़ा था कि जो एंटीरियर डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, उसकी तीन एंटीरियर विसरल डिवीजन्स थी, ठीक हो गया। कौन कौन सी थी? सीलिएक थी और सुपीरियर मेसेंटेरिक और इन्फीरियर मेसेंटेरिक थी, ठीक है। तो सीलिएक डिवीजन हमने पढ़ ली थी जो कि स्टमक को सप्लाई करती है, और अब हमने पढ़नी है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक हो गया। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की बेसिकली छह ब्रांचेज होती हैं टोटल, चार उसकी राइट साइड पर ब्रांचेज होती हैं, ये देखें, ठीक है, ये एक दो तीन चार, और दो उसकी किस साइड पर होती हैं? लेफ्ट साइड पर, एक ये जुजिनल और ये इलियल आर्टरी, इनको ही हमने पढ़ना है। ये आ गई है हमारी यहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। आपने एक लंबी सी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सबसे पहले इस तरह करके पहले इतनी बनानी है, इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच मिडल कॉलिक आर्टरी, ठीक हो गया, और तीसरी ब्रांच राइट कॉलिक आर्टरी, चौथी ब्रांच यहाँ से ऐसे बना देनी है इलियो कॉलिक आर्टरी। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आ जाओ, लेफ़्ट साइड पे आपने ऊपर वाला पार्ट जुजिनम पहले आती है, तो जुजिनल आर्टरी बना देनी है ऐसे करके, छोटी छोटी सी आपने ना एरियल आर्केड्स कहते हैं इनको, ठीक है, तो वो निकालनी है आर्टरी से ऐसे करके, एनास्टोमोसिस होती है बेसिकली ये आर्टरीज की, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट अभी इसके सारे नाम पढ़ाने के बाद ना इनको अलहदा से एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो पूरा नेटवर्क सा एक जाला सा जो बन रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या बना हुआ है, तो ये कैसे बनता है ये मैं आपको अभी इसका डिफरेंस भी बताऊँगी जुजिनम और इलियम में, और ये बनता कैसे है ये भी बताऊँगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ इनके नाम याद कर लो कि ये जुजिनल आर्क है, ठीक है, आर्च है यहाँ पर, और ये इलियल आर्च है, ठीक हो गया। तो ये कौन सी होगी? लेफ़्ट साइड की दो आर्टरीज हो गई। अब दोबारा से मैं इनके नाम रिवाइज कर देती हूँ, ये देखो कि राइट साइड पे कौन सी चार आर्टरीज हैं, इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूटिनल आर्टरी, मिडल कॉलिक आर्टरी, राइट कॉलिक आर्टरी, इलियो कॉलिक आर्टरी, ठीक है। इलियो कॉलिक आर्टरीज की ये वाली लास्ट वाली हो गई। अब इनको क्या करना है, ये आपस में सारी ऐसे मिली होती हैं, आपने ये ऊपर से इसे मिला देना है, इसको इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ, ठीक हो गया। और इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल जो है ये ड्यूडिनम और पैंक्रियाज का से ऊपर जाकर सप्लाई कर देती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूडिनम भी पड़ी होगी ना इस तरह करके इस जगह पर, और उसी के ऐसे साथ आगे पैंक्रियाज पड़ा होता है, तो उनको सप्लाई करेगी, और फिर जुजिनल आर्च आ जाती है और इलियल आर्च आ जाती है। अब हमने पढ़ना है कि जो एक जाला सा बना हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि क्या बनाया है मैंने, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आर्टरीज से ना बेसिकली छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं, देखिए ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ठीक है, ये वाली ऐसे, और इससे छोटी छोटी आर्टरीज निकल के ना आपस में एनास्टोमोसिस कर लेती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एक आर्टरी निकली, इधर से एक आर्टरी इसने ऐसे एनास्टोमोस कर लिया, एक इधर से निकली, एनास्टोमोस कर करके ना ये एक जाल सा बना देती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आर्टीरियल आर्केड्स, ठीक है, ये एक नेटवर्क होता है आर्टरीज का, स्मॉल आर्टरीज के एनास्टोमोसिस की वजह से बनता है। और उसके बाद इससे ऐसे छोटी छोटी स्ट्रेट आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है, इन स्ट्रेट आर्टरीज को क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। वासा मतलब वेसल से, रेक्टा मतलब स्ट्रेट है ये, ठीक है, रेक्ट हम कहते हैं ना, रेक्ट पोजीशन ही उसी से निकला हुआ है कि वासा रेक्टा मीन स्ट्रेट वेसल्स, स्ट्रेट आर्टरीज, ठीक हो गया। और ये जो छोटी छोटी आर्टरीज निकल के यहाँ पर नेटवर्क और जाला सा बना देंगी एक, ठीक है, इसे आर्टीरियल आर्केड बोलेंगे, और उससे स्ट्रेट आर्टरीज निकलेंगी जो आगे जाके इंटेस्टाइन को सप्लाई करेंगी। इस तरह बनता है ये आर्केड। अब ये जुजिनम और इलियम दोनों में इसका डिफरेंस होता है, वो हम अभी पढ़ते हैं। ये देखें, ये मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बनाया है इसका, देखें, जुजिनम में ना शॉर्ट आर्टीरियल आर्केड्स होते हैं, यानी कि जो जाला है ना ये थोड़ा छोटा सा होता है, ये नेटवर्क जो बना होगा ना आप इसे पहाड़ियाँ से कह लें, ठीक है, ये थोड़ी छोटी होंगी, और लेकिन इसके ऊपर ऐसे लंबे लंबे से जो आर्टीरियल आर्केड्स हैं ना, ठीक है, शाखें जो इसकी निकल रही हैं वो थोड़ी सी लंबी होंगी इसके अंदर, ठीक हो गया। 1 to 2 आर्केड्स होंगे और शॉर्ट आर्केड्स होंगे और लॉन्ग वासा रेक्टा होंगी। लेकिन जो इलियम होती है उसमें लॉन्ग आर्टीरियल आर्केड्स होते हैं, ये देखें, एक दो तीन चार लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, आर्टीरियल आर्केड्स की। और जो वासा रेक्टा होते हैं वो देखें उसकी निस्बत शॉर्ट है जुजिनम की निस्बत,
ठीक हो गया, और ये जाके हीलियम को सप्लाई करते हैं। अब हम इसको एटलस में भी देख लेते हैं ज़रा। ये देखें ये क्या बना हुआ है, ये बने हुए हैं आर्टीरियल आर्केड्स हमारे सारे, ठीक हो गया। और ये देखें इधर जो है ये, हाँ ये देखें सारे ये आर्टीरियल आर्केड्स हैं, और ये आगे क्या है वासा रेक्टा स्ट्रेट वेसल्स हैं। ये नीचे भी इधर है जूजिनल एंड द ईयर इंटेस्टाइनल आर्टरीज और एनास्टोमोटिक लूप्स, इनको क्या कहते हैं आर्केड्स कहते हैं, स्ट्रेट आर्टरीज आर्टीरिया रेक्टा भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम इधर देख लेते हैं ज़रा बाकी आर्टरीज के नामों को भी जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। वो हमने पढ़ी थी दो लेफ्ट साइड की हो गई, इलियम और जुजुनम, ठीक है आर्टरीज। अब हमने पढ़नी है सुपीरियर मेसेंटेरिक की बाकी की चार ब्रांचेस जो कि राइट साइड पे होती हैं। सबसे पहले आ जाती है मिडल कॉलिक आर्टरी, ये देखें यहाँ से ऐसे मिडल कॉलिक आर्टरी निकल रही है, ठीक है, ये इधर कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन को सारे सप्लाई कर देगी। उसके बाद क्या होता है कि इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, ये ऐसे करके जा रही है, ठीक है ना। ये देखें ये पीछे पेंक्रियास नज़र आ रहा है ना आपको, इसको सप्लाई करेगी, और ये ड्यूडेनम नज़र आ रही है इसको सप्लाई करेगी, ठीक है, इन दोनों को सप्लाई करती है ये। उसके बाद राइट कॉलिक आर्टरी आ जाती है, ये इधर असेंडिंग कोलोन को सप्लाई करेगी इस तरह करके, ये देखें इधर ऐसे करके लूप सा बना रही है सारा, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या आ जाता है ये नीचे इलियोकॉलिक आर्टरी, ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस, एक कॉलिक ब्रांच निकलती है और एक इलियल ब्रांच निकलती है, ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये आपने नाम याद रखने हैं आर्टरीज़ के, और एटलस से लाजमी एक दफ़ा पिक्चर देख लेनी है। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ ना मैं बार बार कहती हूँ एटलस लाजमी यूज़ करें, क्योंकि एनाटॉमी जो है वो टोटली पिक्चर्स पे बेस करती है, ठीक है। इस तरह अगर आप लोग एक दफ़ा थ्योरी पढ़ने के साथ, अब ये जिस तरह मैंने आपको आर्टरी पढ़ाई है, ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं, आप उनके नाम पढ़ने के साथ उसको रीजन के साथ याद रखें किस रीजन को कैसे सप्लाई कर रही है, जिस रीजन को सप्लाई कर रही होगी उसी से उसका नाम निकल रहा है। जिस तरह मिडल कॉलिक सप्लाई कर रही है ट्रांसवर्स कोलन को ऊपर, ठीक है, इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल है वो पेंक्रियाज और ड्यूडिनम को सप्लाई कर रही है, राइट कॉलिक जो है वो इधर सेंडिंग कोलोन को सप्लाई करेगी, इलियो कॉलिक की एक कॉलिक ब्रांच होती है और एक इलियल ब्रांच होती है, ठीक है, कोलोन को सप्लाई करेगी और इलियम को सप्लाई करेगी, ठीक है, यहाँ से। तो ये देखें ना इलियो कॉलिक कैसे कहते हैं कि हम ये देखें इसकी ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये इलियम आ रही होती है ना यहाँ पर इस तरह करके इधर पड़ी होती है, ठीक हो गया, जो यहाँ पे ये आके सीकम के साथ जुड़ती है, इसलिए ये इधर वाली इलियम आ जाएगी, और ऊपर वाली जो होगी जो ऊपर वाली जाके राइट कॉलिक के साथ एनास्टोमोस कर रही है उसे कॉलिक कह देंगे। इस तरह आपने ब्रांचेस के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की स्पिनल मेसेंटेरिक आर्टरी कंप्लीट हो गई है, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछें। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।